नमस्कार, उनके हमारे संतोष शर्मा वाइट स्पिरिचुअल विचार में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य से वीडियो को बना रहा हूं मैं कि जागरूकता पैदा की जाए और जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें कम से कम ये मालूम चले कि रुद्राक्ष या जैनसों या ज्योतिष शास्त्र जो है ये दज्ञानुषी विचारों से प्रसिद्ध नहीं है। ये अपने आप एक साइंस है, एक इसकी विधि है और एक विद्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। जिससे आप कोई बीमारी है, मानिए कोई परेशानी आपको है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, एक आपकी ब्लड सैंपल एक टेस्ट हो जाता है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, मतलब लेबोरेटरी में टेस्टिंग आपकी हो जाती है और एक रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार से ही ज्योतिष आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखता है, जो कि डायल रिपोर्ट की तरह होती है। उसमें से खामियां देखी जाती है, क्या क्या चीजें हैं परेशानियां पैदा कर रही है, उनको ठीक करने के लिए आपको रुद्राक्ष बैलेंस करने के लिए या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए या कोई शक्ति यदि क्षीण हो, कम हो, तो उसको बूस्ट करने के लिए जलसों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस प्रकार से नाम पे काम करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं छह मुखी रुद्राक्ष में, सिक्स मुखी के बारे में। उसके पहले मैं कुछ जवाब दे दूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि ये चार मुखी कौन से चक्र में काम करता है, और चक्र बाद में जानते होंगे तो कौन से चक्र में काम करता है। मैं आपको बता दूं कि चार मुखी जो है किसी पर्टिकुलर चक्र के लिए नहीं है, लेकिन हमने चर्चा पहले की है एक मुखी के बारे में, वो भी कोई स्पेसिफिक चक्र के लिए नहीं होता है। दो मुखी रुद्राक्ष जो चंद्रमा के लिए होता है, ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र के लिए होता है, सेक्स चक्र के लिए होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है मणिकुला चक्र के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए होता है। और पांच मुखी रुद्राक्ष भी आपके सोलर प्लेक्सस के लिए मणिकुला चक्र के लिए काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में, और छह मुखी रुद्राक्ष आपके मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है उसी में काम करता है। छह मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपकी शक्ति में कमी है, आपको डर लगता है, आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको लीडरशिप क्वालिटी आए, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़े, आप साहसी बने, करजियस बने, इंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं, कुछ काम अपना करना चाहते हैं, आप यदि फौज में है, डिफेंस में है, पुलिस सर्विस में है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लीडरशिप लेते हैं, जैसे आप IAS वगैरह में है, IPS में है, या आप राजनेता है, तो भी छह मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। जो भी समाज में अग्रणी होना चाहता है और ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करना चाहता है, उसको छह मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके जो मालिक होते हैं वो होते हैं कार्तिकेय देवता। छह मुखी रुद्राक्ष यदि आप पहनेंगे तो अदम्य साहस के मालिक बनेंगे, आप में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, बनाने में मदद मिलेगी आपको, और आपकी नवीनता पैदा होती है, एक ब्रेवरी, सेंस ऑफ ब्रेवरी पैदा होती है। आप जो चीजों से करने से, नई चीज करने से डरते नहीं है, इस प्रकार से आपको फायदा होता है। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत सारा एंगर आपके अंदर में है, तो भी आप छह मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो गुस्से को शांत करने में मदद करता है। यदि आप मांगलिक हैं चार्ट में देखा जाए तो छह मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो बहुत फायदा होगा। कोरल मुंगा ना पहने यदि मांगलिक है तो। यदि आपका मंगल खराब है चार्ट में तो कतई मुंगा ना पहने, कोरल ना पहने, और छह मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। छह मुखी रुद्राक्ष जब हाथ में पहनना चाहते हैं तो दाहिने हाथ में पहने, इफ यू आर ए राइट हैंडेड पर्सन, और इसको गले में पहन सकते हैं और इसको अपने नाभि के आसपास भी पहन सकते हैं। इस प्रकार से काम करता है। यदि आपको उतावला कोण बहुत है, रेस्टलेसनेस काफी सारा है और एक एग्रेसिव पर्सनालिटी का मालिक है, तो इसको सब्ड्यू करने के लिए भी आप छह मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कितने रुद्राक्ष पहनने चाहिए? एक ही रुद्राक्ष काफी होता है। छह मुखी रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ में आप बगलामुखी देवी की आराधना करेंगे, और यदि आपके शत्रु काफी है, आप मानते हैं कि आपकी परिस्थिति जो है वो आपके अगेंस्ट हो जा रही है, तो परिस्थिति को, शत्रुओं को नाश करने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष पहन के बगलामुखी देवी की साधना करने से बहुत सारा आपको मदद मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।